climate change is actually happening, and this is just the beginning. आने वाले कुछ ही टाइम में सीन बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हम अपनी हरकतों से बाज तो आ नहीं रहे हैं. कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है एंड वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पिछले 10,000 सालों में धरती का टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, बट सिंस द प्री इंडस्ट्रियल 19th सेंचुरी ये टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ चुका है और अब बहुत तेजी से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहे हैं. 2 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते थिंग्स विल एक्चुअली बी डिजास्ट्रस. यू मस्ट बी थिंकिंग कि 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ऐसा भी क्या हो जाएगा. टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, एट 1.5 डिग्री इंक्रीज आर्कटिक आइस विल स्टिल बी देयर ड्यूरिंग मोस्ट समर्स, बट जस्ट अ 0.5 डिग्री मोर और आर्कटिक की समर आइस पिघलने लगेगी. दैट मीन्स पोलर बियर्स, व्हेल्स, सील्स एंड सी बर्ड्स विल लूज देयर हैबिटेट्स, मोस्टली स्टार्व टू डेथ एंड गो एक्सटिंक्ट. एट 2 डिग्री इंक्रीज अर्बन पॉपुलेशन विल बी एक्सपोज टू सीवियर वाटर शॉर्टेज. शिमला, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और कितनी ही सिटीज में वाटर शॉर्टेज ऑलरेडी शुरू हो गई है. एक तरफ सीवियर ड्रॉट्स होंगे, वाइल ऑन दी अदर हैंड सी लेवल राइज होने से कोस्टल सिटीज डूबने लगेंगी. स्मॉल आइलैंड कंट्रीज तो गायब हो जाएंगी. इंडिया एंड मालदीव्स हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ फ्यू स्मॉल आइलैंड्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. 1.5 डिग्री इंक्रीज पर 6% इंसेक्ट्स, 8% प्लांट्स और 4% वर्टिब्रेट्स विल गो एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. वहीं 0.5 डिग्री और इंक्रीज पर ये नंबर्स काफी बढ़ जाएंगे. एंड एज वी नो, इंसेक्ट्स आर वाइटल फॉर पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स. दैट मीन्स इन टर्न इफेक्ट पड़ेगा हमारी क्रॉप्स पर. देयर विल बी सीरियस फूड शॉर्टेज अराउंड द वर्ल्ड. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से इंडियन फार्मर्स के सुसाइड रेट में इंक्रीज हमारे सामने है. जहां 1.5 डिग्री पर ऑलमोस्ट 70-90% ऑफ कोरल रीफ विल डाई, 2 डिग्री इंक्रीज पर तो कोरल रीफ्स ओशन से पूरी तरह खत्म ही हो जाएंगी, जिसका इफेक्ट कोरल रीफ पर जीने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू होकर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन पर दिखेगा. कोरल रीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड कोस्टल प्रोटेक्शन फॉर 500 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. इफ दे गो एक्सटिंक्ट, that would mean coastlines will become more susceptible to damage and flooding from storms, hurricanes and cyclones. Tropical countries ki to waat lag jayegi. Basically, we'll not just have to adapt to one thing at a time. We'll be adapting to everything shifting at once. Aur ye sab baatein hawa mein nahi ho rahi hain. These are not hypothetical situations. This is the actual reality which is happening right now. Current situation ye hai ki 2015 Paris Agreement mein jo duniya ki countries ne milkar carbon emissions kam karne ke vaade kiye the, wo vaade agar poore bhi kar diye jaye tab bhi world is mostly going to go warmer by around 3 degrees Celsius or more by the end of this century, and the world is not prepared for it. According to the UN's recent report, aane wale matr 12 saalon mein global greenhouse emissions need to go half than what it is today and be completely zero by 2050. Otherwise, we are f***ed. The report also specifically points to India, highlighting that it will be one of the most severely hit countries worldwide from climate change. Governments need to take actions that have never been taken before. Basically, all the coal plants and petroleum fuel based vehicles on the entire planet would need to be quickly replaced with zero carbon alternatives. And not just that, according to the report, the world will also have to develop and deploy technology to remove billions of tons of carbon dioxide from atmosphere every year. Nahi to India, China, Bangladesh, Japan, US, Indonesia, Egypt, फिलीपींस और वियतनाम में 2040 तक 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोस्टल फ्लडिंग से जूझ रहे होंगे. इट्स हाई टाइम दैट वी एक्ट नाउ और इट माइट गेट टू लेट. चाइना इज नंबर 1 कार्बन एमिटिंग कंट्री, यूएस इज नंबर 2 एंड इंडिया नंबर 3. व्हाइल चाइनीज बीइंग स्मार्टर देन द रेस्ट हैव मेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज देयर नंबर 1 एजेंडा, यूएस के डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का तो दिमाग ही फिर गया है, या बोले दिमाग है ही नहीं. यूएस इज नॉट जस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्रीज but also tops in the per capita carbon emission. India aur China mein ek insaan ka average carbon footprint 1.5 aur 6.5 metric ton hai. Wahin US mein 15.5 metric ton hai. But in sir ke hisab se climate change is not real. Usko lagta hai jaise bhoot-bhoot kuch nahi hote, waise hi climate change bhi kuch nahi hota. He considers it a conspiracy by other countries against the US. Like seriously, kis bevkoof ko president bana liya hai US walon ne? वैसे हमने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हैं यहाँ पर. लुकिंग एट द करंट पॉलिटिक्स सिनेरियो इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज डजंट सीम टू बी द नंबर 1 प्रायोरिटी. इंस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा एंड दैट टू ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. 2014 में मोदी जी का कहना था दैट इट इज इन द क्लाइमेट दैट हैज चेंज्ड बट रादर आवर एबिलिटी टू डील विद क्लाइमेट. वाह मोदी जी वाह.
इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। ट्रीज पुल आउट CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर अस, ये तो थर्ड क्लास के बच्चे भी जानते हैं। बदलते वक्त के चलते गवर्नमेंट ने आजकल अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह जरूर प्रोजेक्ट किया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर सेस भी लगाए गए हैं, बट ग्राउंड रियलिटी इज फार फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर सरकार ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। कितने ही पेंडिंग प्रोजेक्ट्स दैट वर ऑन होल्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेविंग द एनवायरमेंट हैव बीन अप्रूव्ड। 2010 से 2018 के बीच में करीब 80,000 करोड़ रुपया हैव बीन कलेक्टेड एज क्लीन एनर्जी सेस, जिसमें से सिर्फ 30% यानी कि करीब 24,000 करोड़ ही नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में ट्रांसफर हुए, और उन 24,000 में से भी सिर्फ 7,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स में यूज हुए हैं। दिस वॉज अ नॉन लैप्सेबल फंड, डैम इम्पोर्टेंट इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। नॉन लैप्सेबल का मतलब कि अगर फंड में पैसा बचता है तो वो किसी और फंड में ट्रांसफर नहीं हो सकता। बट अकॉर्डिंग टू अ न्यूज रिपोर्ट, द रिमेनिंग 56,000 करोड़ वर टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज टू द लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ GST। शोज द सीरियसनेस विद विच वी आर डीलिंग विद द इशू एट हैंड। वी स्टिल हैव सम टाइम टू मेक इट लेस बैड, बट वी रियली हैव टू एक्ट राइट नाउ। फर्स्ट थिंग टू डू इज दैट दोज ऑफ अस हु डोंट नो अबाउट दिस इशू, लेट्स एजुकेट ourselves एंड पीपल अराउंड अस। शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। सेकेंडली, लेट अस रिड्यूस आर पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट टू एज लो एज पॉसिबल। अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारे बच्चे और उनके बच्चे सबकी वाट लगने वाली है। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। शेयर दिस वीडियो, कमेंट बिलो ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इशू।